स्वीटीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तवा बाटी। तवा बाटी खाने में बहुत ही टेस्टी और राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध डिश है। तो देखिए किस तरीके से तवा बाटी बनाएंगे, क्योंकि तवे पे हम इसलिए बनाएंगे, कई लोग बाटी खाने के शौकीन होते हैं, उनके पास ओवन नहीं होता, तो हम तवे पे कढ़ाई में कुकर में किस तरीके से बाटी बना सकते हैं। तो देखिए आज हम तवे पे बाटी बनाएंगे, तो उसके लिए हमें किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी। ये मैंने लिया है 2 कप आटा। आटे का मेजरमेंट मैंने इस कप से किया है, मेजरिंग कप से। तो ये 2 कप आटा है। आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है अजवाइन। आधा छोटा चम्मच नमक। ये मैंने पानी लिया है और ये 400 ग्राम घी लिया है। तो सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो इस आटे में मैं डाल देती हूँ नमक। अजवाइन को हम क्रश करके, अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए और इसके टेस्ट में काफी अच्छा टेस्ट आता है इससे, तो इसलिए अजवाइन डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डो तैयार करेंगे। और मोइन के लिए आप घी भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें 3-4 चम्मच घी डाल देती हूँ। आप चाय मलाई वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मोइन अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करेंगे। एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा डो है वो गीला हो जाएगा। हमें ये बाटी के लिए हमेशा सख्त डो ही चाहिए। तो हम डो को तैयार कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। हमारा गीला हो चुका है। मैंने मोटा आटा लिया था। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं हो, बारीक आटा हो, तो आप उसमें 3-4 चम्मच सूजी या रवा जिसको बोलते हैं, आप वो मिक्स करके आप बाटी बना सकते हैं। देखिए इतना आटा लगाने के लिए हमारा आधा ग्लास पानी लगा है। अब इसको हम एकदम चिकना बना लेंगे। इस तरह हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ देते हैं। साइड लेते हैं हम तवा। तवे को गैस पे रखते हैं, गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। और इस पे जब तक हमारा आटा सेट होता है, हमारा तवा गर्म हो जाएगा। और इस पे डाल देते हैं हम नमक। देखिए ये मैंने नमक लिया है, ये मेरा पहले से यूज किया हुआ है, तो इसको अच्छे से हम इक्वल बिछा देते हैं। और गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे। हमने एक बराबर फैला दिया है। अब लेंगे हम स्टैंड, कोई भी स्टैंड या जाली जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप चाहे तो इस तरह का कूलिंग स्टैंड भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का ना हो, तो आप इस तरह का भी कूलिंग स्टैंड ले सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। तो मैंने स्टैंड को सेट कर दिया है। अब इसको मैं एक बड़े बाउल से या बर्तन से कवर कर देती हूँ, तब तक ये गर्म होता है, हमारा आटा सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा सेट हो चुका है। अब इसको हम बराबर टुकड़ों में, जितने इसके टुकड़े होते हैं उतने हम टुकड़े कर लेते हैं बराबर बराबर। देखिए 2 टुकड़े मैंने कर लिए। देखिए इसको हमने 6 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया है। बाटी हम रोटी से थोड़ी सी बड़े साइज की लोई बनाएंगे बाटी के लिए, इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए, इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे हमारी सारी बाटियों को। ये हमारी बनके तैयार हो गई है। इधर हमारा नमक भी गर्म हो गया है। अब इससे हम स्टैंड पे हम अपनी बाटियों को सेट कर देते हैं। तरीके से
देखिए सारी बाटी हमारी आ गई है और इसको अब ढक के हम 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं। मीडियम रखेंगे। आप इसको ढकने के लिए इस तरह के बाउल या किसी का भी आप यूज कर सकते हैं जिससे ये आसानी से कवर हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने बाटियों को काफी गर्म है, बड़ी सावधानी से हमें साइड पलटना। और देखिए हमारी बाटियां सिकना स्टार्ट हो गई हैं। इनकी मैं साइड चेंज कर देती हूँ ताकि दूसरी साइड से भी सिक जाए। हमारी 70% पक चुकी हैं। अब इन पे मैं एक ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा घी लगा देती हूँ ताकि इनके सिकते टाइम इनका कलर है वो काफी अच्छा आएगा, इससे अच्छी रेड कलर की हो जाएंगी ये। इस तरीके से सारी बाटियों पे मैं लगा देती हूँ। बाटी पे मैंने घी लगा दिया, घी बाटी हमारी अच्छे से घी लगने के बाद चमकने लग गई है और इनको मैं वापस कवर कर देती हूँ और 10 मिनट हम और सेकेंगे कि हमारी सिक गई। इससे ज़्यादा हम बाटी को नहीं सेकेंगे। अब बाटी को मैं हमारे पास जो घी लिया था हमने इस घी में मैं डाल देती हूँ। विंटर सीजन है, घी हमारा जम गया है, बाटी हमारी गर्म है तो इनको अब मैं डाल देती हूँ इसमें, तो घी अपने आप हमारा मेल्ट हो जाएगा। बाटी को हल्का हल्का हम झाड़ लेंगे क्योंकि हल्का फुल्का इनमें नमक लग गया है। तो इस तरीके से बाटी में जितनी हमारे बर्तन में बाटी आएंगी उनको डिप करते जाएंगे। बर्तन में 4 बाटी आई, मैंने 4 को डिप कर दिया। आप चाहे तो कम घी से खाना चाहे तो अभी तुरंत इनको निकाल लें, डालें और निकाल लें। अगर ज़्यादा घी की खाएं तो इनको आधे घंटे के लिए डिप कर दें या इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप डिप कर दें। मैं इनको आधे घंटे के लिए डिप कर रही हूँ। घंटा हो चुका है, हमारी बाटियों ने अच्छे से घी को एब्जॉर्ब कर लिया है जितना इनको करना था। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। जैसे जैसे हमारी बाटियां पकती हैं वैसे वैसे ये इनमें क्रैक्स आते जाते हैं। और नमक हमने इसलिए लिया था ताकि ऊपर और नीचे दोनों जगह का टेम्परेचर हो वो बराबर रहे और बाटी हमारी दोनों साइड से बराबर सिकती रहे। आप एक बार नमक को यूज करने के बाद दोबारा उसे ठंडा होने के बाद कंटेनर में भर के रख दें और उसको वापस से यूज कर ले। मैंने भी ऐसे ही यूज किया है। आप उसको एक बार यूज करने के बाद फेंके नहीं। देखिए कितनी अच्छी और टेस्टी बाटी हमारी बनके तैयार हो गई है। आप भी बनाइए और खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी, तवा बाटी अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।